हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? बेटा आज हम क्लास 3 की वर्कशीट करेंगे। 92 ए वर्कशीट है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अपनी अपनी कॉपी निकालेंगे, आज की डेट लिखेंगे 18 अक्टूबर 2021, हिंदी कार्यपत्रिका, और कार्यपत्रिका का नंबर है 92 ए। चलिए बेटा, इधर अपना सेक्शन ए बी सी डी, आपका जो भी थर्ड का सेक्शन है, ये जो आपकी कविता, ये है आपकी वर्कशीट। ये कौन से उससे रिलेटेड है, कौन सी कविता से रिलेटेड है? सर्दी आई, हमने पिछली वर्कशीट में भी करा था। इधर अपना नाम, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकालेंगे हिंदी की, 92 पेज नंबर पर, उस पर एक पोयम है सर्दी आई, हमने पिछले ही वर्कशीट में भी पढ़ी थी वो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। पिछले पार्ट में हमने वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा था, आइए अब हम शिशिर ऋतु से जुड़ी एक कविता सर्दी आई को हाव भाव व लय ताल के साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि सर्दी के मौसम में ठंड से हमारा हाल कैसा हो जाता है। तो बच्चों शिशिर ऋतु कौन सी होती है, कमेंट्स में मुझे बताना ना भूलें, ठीक है? चलिए पोयम के कुछ लाइंस दी हैं, ये इसको हाव भाव के साथ पढ़ते हैं लय ताल में। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम गई जम जाए जर्दी। नाक लाल सुकड़ी चाल, ढेर से कपड़े चाहे तगड़े, इतनी सर्दी अंडे की जम जाए जर्दी। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। ये देखोगे लाल चाल कपड़े तगड़े सर्दी जर्दी। तो बेटा ये कौन से शब्द होते हैं, कमेंट्स में बताएंगे। बच्चों क्या आपने गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दिया, जैसे लाल चाल कपड़े तगड़े जर्दी सर्दी, ये सब तुकांत शब्द। कौन से शब्द होते हैं बेटा, तुकांत शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत के वर्ण उनके स्वर व उच्चारण की ध्वनि समान हो, वे तुकांत शब्द या मिलती जुलती आवाज वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे देखोगे लाल चाल, इसमें क्या है, ल है एंड में, है ना? तो इसका जो वर्ण है और उच्चारण है वो स्वर जो है वो सेम है। नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो तुकांत शब्द लिखिए। कुछ शब्द आपको दिए हैं, इनके दो दो तुकांत शब्द आपको क्या करने हैं बच्चों, लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला जैसे इन्होंने दिया है आपको आम, आम का है नाम काम। अब खेल रेल मेल, और भी आप सोच सकते हैं, ठीक है? अगला देखते हैं, रोटी छोटी, और एक आप लिख सकते हैं मोटी, ठीक है? अगला देखते हैं बच्चों, गीत रीत मीत। ओके, अगला क्वेश्चन, सर्दी के मौसम से जुड़े चित्रों को पहचानिए और उन पर सही का निशान लगाइए। सर्दी में हम आइसक्रीम खाते हैं बच्चों, ये रॉन्ग है। वाटरमेलन भी गर्मियों में आता है, मूंगफली खाते हैं सर्दियों में, आग जलाई जाती है, आग से हाथ सेकते हैं ना, स्वेटर पहनते हैं, नारियल पानी, ठीक है? फिर ये हो गया, कैप पहनते हैं, क्रिसमस आता है ना? बच्चों सर्दी आई कविता लिखने वाले कवि का नाम लिखिए। बेटा ये कौन से कवि ने लिखी है, देखेंगे 93 पेज नंबर पर।
कवि का नाम किसने लिखी है कविता? कमेंट्स में बता दो जल्दी से मुझे। यस, सफदर हाशमी। ठीक है, सफदर हाशमी। अगला प्रश्न, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे खरगोश और गिलहरी क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या हमने अनुमान लगाते हैं इसको कि क्या बातें कर सकते हैं एक दूसरे से बेटा। ठीक है, तो इसमें गिलहरी कह रही है, ठीक है, गिलहरी कहती है किससे? खरगोश से। पहले तो आप पिक्चर देख लीजिए बेटा, जूम कर देती हूँ मैं आपके लिए ना एक बार। ठीक है, तो गिलहरी कहती है खरगोश से, अरे खरगोश, अरे खरगोश भाई, देखो मैं यहाँ हाथी के ऊपर चढ़ गया हूँ। देखो मैं यहाँ हाथी के ऊपर चढ़ गई हूँ। तो इसमें खरगोश कहती है, अरे वाह रुको मैं भी आता हूँ, अरे वाह रुको मैं भी आता हूँ। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे करेंगे। अगर आपको लगता है दोनों कुछ और बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे बेटा, और कुछ भी बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में। ठीक है, मम्मी पापा के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि प्रत्येक ऋतु का अपना सौंदर्य और महत्व है। उनके साथ चर्चा करें कि ऋतु परिवर्तन के साथ खान पान, पहनावे व रहन सहन में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं। बेटा इसका मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताना। ठीक है, और जो अगली वर्कशीट है आपकी कौन सी है, 92B, ठीक है, EVS की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी आपकी तो आज आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आज आपने नया क्या सीखा। ठीक है, COVID-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें।